फ्रेंड्स, वेलकम इन गरिमा शाह किचन। आज हम बेलपुड़ी बनाने वाले हैं और बेलपुड़ी बनाना बहुत ही आसान है। जब कभी भी आपको भूख लगे तो बेलपुड़ी से आप खाके इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बेलपुड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। बेलपुड़ी बनाने के लिए हम लेंगे खीरा, आलू, रोस्टेड मूंगफली, मठरी, नमकीन जो कि बेसन की है, चिवड़ा, चना नमकीन, प्याज, टमाटर, कैरी, खीरा। इनको प्याज, खीरा, टमाटर, आलू, इनको हमने सबको चॉप कर लिया है। अब इसमें दो तरह की चटनी डलेगी। मीठी चटनी है जो हमने इमली की सहायता से बनाई है और ये धनिया की चटनी है जो हमने धनिया की सहायता से बनाई है। और चॉप करी हुई मिर्ची है, बिकाजी की नमकीन है और ये बटर मसाला है जिसमें मैंने दो तीन चीजें मिलाई है, पिसा हुआ जीरा, नमक, काला नमक, हींग और रोस्टेड की हुई खील है। बेलपुड़ी बनाने के लिए जो हमने रोस्टेड खीर ली थी, अब इसको हम बाउल में डाल रहे हैं। इमली की चटनी है, इसको मैं डाल रही हूं। हरी धनिया की चटनी, इनको हम पहले सबसे पहले इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेलपुड़ी बनाने का मेरा डिफरेंट तरीका है। मैंने पहले इसमें दोनों तरह की चटनियां डाली है और खील डाली है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं चॉप की हुई सब्जियां डालूंगी। मैं टमाटर डाल रही हूं, खीरा, आलू, प्याज, चना नमकीन, चिवड़ा, बेसन की नमकीन। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखिए इसका लुक अब इसमें हमें कटी हुई मिर्ची डाल रही हूं, इसके मैंने बारीक बारीक पीसेस कर लिए थे। और ये बटर मसाला है जो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी चटपटी बेलपुरी रेडी है, चलिए इसको सर्व करते हैं। बेलपुरी को हम अब बाकी की चीजों से गार्निश कर देते हैं। जो हमने मठरी रखी थी इसको हम थोड़े से क्रश कर लेंगे, सॉफ्ट है बहुत। थोड़ी सी बीकानेरी नमकीन जो मैंने ली थी उससे हम इसको गार्निश कर लेंगे, इससे टेस्ट दुगना हो जाएगा। अभी जो हमने टमाटर रखे थे इसको हम ऐसे और डाल देंगे। खीरा, और ये कच्ची कैरी जो ली थी हमने, इसको डालने से तो इसका टेस्ट इतना दुगना हो जाएगा कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। चटपटी मसालेदार बेलपुरी हमारी अब रेडी है खाने के लिए। दोस्तों, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।